गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए निकल चुका हूँ। आज हमारी दूरी है रिको इंडस्ट्रियल इलाका से श्रीगंगानगर तक की। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम बताते चलेंगे कैसे कैसे और किस तरीके से हम गंगानगर पहुँचते हैं और रास्ते में होने वाले सारे इवेंट को आप इंजॉय कीजिए। और ये कैसा वीडियो बन रहा है इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है ये भी बताएं। हमने अब इस मोटो ब्लॉगिंग के लिए मोबाइल को चूज किया है और मोबाइल से ही मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी हम रिको के एक तिराहे पर पहुँचे हैं और यहाँ से दाहिने की मुड़ते हुए सीधे अबोहर मलोट वाले रोड को पकड़ेंगे। दोस्तों, ये सीधा रास्ता अबोहर मलोट पंजाब को जाता है, लेकिन हमें पंजाब नहीं जाना है। हम बाईपास से बाएं कट के श्रीगंगानगर की ओर मुड़ेंगे। ये सारा इलाका दाहिने और बाएं साइड में इंडस्ट्रियल इलाका है जो श्रीगंगानगर के रिको एरिया में बना हुआ है। और ये पेट्रोल पंप है जो कि एसआर कंपनी का है। और हम इससे आगे बढ़ते हुए सीधे बाईपास पहुंचेंगे। दोस्तों, हम बाईपास पे पहुंच चुके हैं। ये बाईपास है सूरतगढ़ बाईपास। यहाँ से दाहिने से बाएं साइड में सूरतगढ़ है जो कि बीकानेर को जाता है। हम दाहिने घूमे हैं, ये दाहिने से भी मलोट जाता है। इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे तो सीधे हम पंजाब और मलोट की ओर बढ़ेंगे और इसके नीचे से होते हुए बाएं साइड घूमेंगे तो हम लोग श्री गंगानगर को पहुँचेंगे। हमारे बाएं साइड में इंडस्ट्रीज भी डेवलप की हुई है। हमारे बाएं साइड में ट्रक के पीछे जो ये इंडस्ट्री दिख रही है, यह इंडस्ट्रीज में पॉलीपैक बनता है, मतलब प्लास्टिक के बोरे तैयार होते हैं। हम लोग आ रहे हैं, पहुँच चुके हैं अंडर ब्रिज के पास। यहाँ से बाएं घूमेंगे और सीधे से गंगानगर को निकलेंगे। हम पहुँच चुके हैं बारामासी नहर पे। यहाँ दोस्तों, ये बारामासी नहर का पुल है। यहाँ पे हमारे दाहिने और बाएं दोनों साइड में मशीन लगा करके गाजर धोए जा रहे हैं। जी हाँ, श्रीगंगानगर में गाजर का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है। यहाँ का गाजर बहुत ही स्वादिष्ट, लंबे और रसीले होते हैं क्योंकि यहाँ की बलुई मिट्टी में ये बहुत अंदर तक और फैलाव लिए हुए अच्छे से डेवलप कर जाते हैं। अभी हम हरिद्वारीनाथ पब्लिक स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ने पर भी एक छोटा सा रोड हमारे बाईं साइड को घूमता है जो कि पुराना बाईपास है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलती है, यहाँ पे जाम लग जाता है क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा है और अगल बगल से गोदे भी निकलते हैं।
इसलिए इधर गाड़ियां जाम लग जाती हैं और रोड भी बहुत ख़राब है जिसकी वजह से जाम लग जाता है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, जो बाएं साइड का रास्ता जाता है, तो ये गाड़ी मुड़ रही है, ये रास्ता निकल जाता है सीधे बीकानेर की ओर और हम सीधे निकल रहे हैं श्री गंगानगर की तरफ। यहाँ रास्ता थोड़ा बढ़िया मिला है इसलिए हम गाड़ी थोड़ा तेज़ लेके जा रहे हैं और जहाँ रास्ता ख़राब मिलेगा वहाँ पर हम गाड़ी धीमी कर लेंगे। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा और हमें अपने ब्लॉग में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी होगी इसके बारे में भी राय दीजिएगा। अभी हम पहुंचने वाले हैं श्री गंगानगर के आरटीओ ऑफिस के पास। आरटीओ ऑफिस के पास ही ये देखिए रोड कितना ख़राब है, सड़ गया है रोड पूरा। और अभी हमारे बाएं साइड में यहाँ का फेमस मॉल है और ये दाहिने और बाएं दोनों तरफ आरटीओ का ऑफिस है। श्री गंगानगर का हेड डीटीओ ऑफिस यहीं पर है। ये जो सामने मंदिर का आपको मीनार दिख रहा है, मंदिर का जो ये चोटी दिख रहा है, ये एक श्री गंगानगर का फेमस बालाजी मंदिर का ध्वजा और चोटी है। हमारे दाहिने साइड श्री बालाजी महाराज का मंदिर है। श्री गंगानगर की मार्केट शुरू हो चुकी है। हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं टाइल्स और सैनिटरी की दुकानें लगी हुई हैं। सब लोग अपनी दुकान पर बैठकर कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं और हम लोग अपनी बाइक से गंगानगर का आनंद लेने निकल चुके हैं। हमारे दाहिने साइड में अंध विद्यालय है और यहाँ पे एक फेमस नागेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है जिसके हम दर्शन आपको अगले कभी ब्लॉगों में ज़रूर दिखाएंगे। सामने श्री गंगानगर का फेमस सीजीआर मॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नज़दीक से देखेंगे उसको और अगले कभी नए ब्लॉग में इसको भी हम आपको दिखाएंगे। दाहिने साइड हमारे बिल्कुल सामने सीजीआर मॉल है और हम पहुंचने वाले हैं चहल चौक पे। जी हाँ, हम अगर हनुमानगढ़ वाले रास्ते से होते हुए गंगानगर जाएंगे तो जो पहला चौराहा मेन पड़ेगा वो है चहल चौक। चहल चौक से थोड़ी पहले दाहिने साइड में सीजीआर मॉल है, बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये चहल चौक चौराहा खत्म हो चुका है, अब हम पहुंचने वाले हैं शिव चौक चौराहे की ओर। ये दूरी कुल मिला के आधे किलोमीटर की है चहल चौक से शिव चौक की और इसी दोनों दूरी के बीच चौराहों के बीच में दाहिने साइड में है हमारा पुलिस स्टेशन। हाँ दोस्तों, श्री गंगानगर का सदर थाना यहीं पड़ता है। इधर भी रोड बहुत टूटी फूटी है और वन वे रोड है तो ट्रैफिक बहुत है। देख रहे हैं हमारे बाएं साइड में रोड कितना टूटा पड़ा है,
लोग रिक्रूट ट्रबल करते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारे श्री गंगानगर प्रशासन को कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हर साल रोड बनता है और हर साल बरसात में ये टूट जाता है। हम पहुंच चुके हैं शिव चौक चौराहे पे और ये बड़ा सा टावर जैसा एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे इस चौराहे पे बीचों बीच शिव जी का मंदिर है और हमारे ठीक सामने PMG हॉस्पिटल। यहाँ से हम बाएं दाहिने घूमेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और सीधे ये धान मंडी की ओर रास्ता जाता है। हम इस रास्ते को पकड़ते हुए सीधे धान मंडी की ओर पहुँचेंगे, लेकिन हमें धान मंडी नहीं जाना, हमें यहीं पास में एक शॉप पे जाना है जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।